अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कतर की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलते हैं खबर की ओर, जान लेते हैं सबसे पहली खबर क्या आ रही है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से आ रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपर्ट जो बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपर्ट के वेलफेयर के जो हेड डिपार्टमेंट है उनके तरफ से आ रही है। तो साथियों कतर की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डॉक्टर अली बिन सईद बिन समफ अलमारी साहब जो है वेडनेसडे के दिन यानी बुधवार के दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपर्ट वेलफेयर एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश यानी बांग्लादेश के जो एमपी है इमरान अहमद, दोनों देशों के बीच में मुलाकात की गई है। अब मुलाकात के दौरान दोस्तों दोनों देशों के बीच वर्कर को और भी ज्यादा मात्रा में कैसे लाया जाए इसके बारे में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई। सैलरी के बारे में दोस्तों बातचीत की गई है, सैलरी को कुछ वर्कर जो होते हैं उनकी सैलरी कम थी जाती है कतर में, इसको लेकर दोस्तों अलग अलग चीजों पर बातें की गई वर्करों को लेकर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही, कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो साथियों आपको जैसा कि पता होगा कि लगभग 2 से 3 दिनों के बीच में वहां पे मौसम काफी ज्यादा बदला हुआ लग रहा था, वहां पे हर जगह पे धूल वगैरह मिट्टी वगैरह काफी ज्यादा उड़ रही थी और पूरा ऐसा लग रहा था कि धूल के चादरे से पूरा कतर जो है वो लिपटा हुआ है। पर दोस्तों उसकी वजह से बहुत सारे फ्लाइटों को लेट से उड़ान भरी, बहुत सारे स्कूल के बच्चों को स्कूल जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को बंद भी किया गया था। पर अच्छी खबर दोस्तों यह है कि मौसम ने फिर से करवट ली है और मौसम फिर से वहां पे दोबारा अब नॉर्मल कतर में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से नॉर्मल 2 दिन पहले था फिर से दोबारा नॉर्मल हो चुका है। तो ये कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों ट्वीट करके बताया गया। अगली जो खबर साथियों आ रही है वो भी साथियों बांग्लादेश से ही आ रही है। तो बताना चाहूंगा साथियों कतर के एक संस्था के तरफ से वहां पे बांग्लादेश में लगभग हाफ डजन मतलब छह बच्चों से भी ज्यादा जिनके हार्ट में क्रिटिकल प्रॉब्लम था यानी दोस्तों जो सीरियस कंडीशन वाले जो बच्चे थे उनको वहां पे ऑपरेशन किया गया और उनको जान को बचाई गई। तो दोस्तों ये कतर फाउंडेशन की तरफ से और कतर चैरिटी की तरफ से दोस्तों ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज करने के बाद बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ और भी छोटी छोटी बीमारियों को लेकर वहां पे इलाज वगैरह कतर की तरफ से किया गया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ रही, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज के दिन न्यू पार्टनरशिप प्रोजेक्ट स्कूल में वहां पे एंट्री की गई, जिनमें से हायर एजुकेशन बुथेनिया बिन अली अल जबर अल नुएमी साहब जो है वो विजिट किए खीसा प्रिपेटरी स्कूल और वन ऑफ द न्यू स्कूल जो और भी दोस्तों नए नए स्कूल वहां पे पहुंचे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एजुकेशन को लेकर वहां पे बातें की गई कि बच्चों के और भी अच्छा ज्यादा एजुकेशन वहां पे कैसे दिया जाए इसके बारे में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई। अब चलते साथियों अगली खबर आ रही है एमओपीएच की तरफ से आ रही। तो एमओपीएच की तरफ से यह बताया गया है कि आज के दिन वहां पे 24 घंटा के अंदर 126 नए केसेस को रजिस्टर किया गया, जिनमें से लगभग 140 लोग ठीक हो चुके हैं 24 घंटा के अंदर। अब तक वहां पे 364,919 लोग ठीक हो चुके हैं। 126 केस जो निकला उनमें से 117 केस कतर में निकला है, बाकी 9 केस जो है वो ट्रैवलर थे। अब तक वहां पे 68,32,088 लोगों को कोविड की वैक्सीन वहां पे दी जा चुकी है। 24 घंटे में 7,336 लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई। लगभग वहां पे 15,85,523 लोगों को वहां पे बूस्टर डोज दिया जा चुका है। लगभग वहां पे 89.5% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। तो ये पूरी ताजा अपडेट थी कोविड-19 की और कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी। यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, कोई प्रॉब्लम में हो कतर में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। और जो भी दोस्तों मैं न्यूज़ वगैरह आपको बताता हूं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि जो भी न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं सही बता रहा हूं, आपको वीडियो के स्क्रीन में शो भी कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।